परमेश्वर तो हर दिन आपके जीवन में हर दिन काम करना चाहता है, हर दिन आपके जीवन में गवाहियां बनाना चाहता है। मैंने कहा हर दिन वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, और हर दिन वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है। मैं एक चीज मैं मान नहीं करता, मैं खुदा से डर कर कहता हूं कि जिस रीति से मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो किससे नहीं हो सकता। हमारे पास एक लड़का आया था, उसे दुष्ट आत्मा थी, 7 के 8 चर्च में वो लेकर गए थे, अच्छा नहीं हुआ, गुरदासपुर से आया था, 7 के 8 चर्च में लेकर गए। मैंने यही नियम से खाया, 7-8 चर्च में पूरी रात वो सोता नहीं, दुष्ट आत्मा ने उसके माइंड को पागल कर दिया, वो ऐसे उच्ची उच्ची बोलता, और दुष्ट आत्मा कभी कभी उसकी वो ऐसे आवाज बंद कर देता था, जिसे गूंगे नहीं होते, फिर वो जो उसकी आवाज बंद होती उच्ची उच्ची ऐसे करता रहता पूरी रात पर। पहले दिन ही आया, मैंने पहले दिन ही समझाया, और जैसे प्रार्थना की वो बोलने लगा। और सुनो, और मैंने उन्हें पहले भी उन्हें समझाया कि देखो, क्योंकि वो अभी पूरी तरह क्लियर थे नहीं, बोन क्रिश्चियन थे बंदे, बोन क्रिश्चियन समझे, बचपन से प्रभु में थे, पर अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे तो अभी कितने साल हुए, बचपन से प्रभु में, अभी तक परमेश्वर के राज्य की उन्हें समझ नहीं आई करना क्या है। और जहां से जब अच्छा हो गया तो मैंने कहा देखो, अगर इसे दोबारा कुछ ऐसा करे दुष्ट आत्मा, इसकी आवाज को बंद करे, तो डरना नहीं। वही बात हुई, मैंने सब कुछ समझाकर भेजा उन्हें, और फिर से वो अटैक किया शाम को, और वो किसी पास्टर की दूसरे पास्टर जी के पास डर से जा रहे हैं, हाँ प्रार्थना कर दो जी, फिर पता नहीं एक के पास गए, वो फिर हो गया, फिर दूसरे के पास, और फिर रात को 11-12 बजे हमें कॉल आ रही है, अब प्रार्थना करो, वो फिर से हो गया। और मुझे वहां से किसी ने पहले बता दिया, ये 1-2 पास्टरों के पास हो आए हैं मगर काम नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा, मैंने जब आपको समझाया था, आप उस बात में बने क्यों नहीं रहे, क्योंकि लोग बने नहीं रहते ना, बोलो क्या है, बने नहीं रहते। इसलिए मैं परमेश्वर से डरता हूं, मैं मान नहीं करता, छाओ कितनी भी बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा हो, चाहे लूसीफर भी हो सामने, वो भी कुछ नहीं है, समझ आ रही है, चाहे कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, बस समझने वाले मुझे बंदे चाहिए। यीशु मसीह भी नासरत में क्यों इतने काम नहीं कर पाया, इतने चमत्कार वो क्यों नहीं कर पाया, बताओ मुझे, क्योंकि उन्होंने उस मन से उसकी बातों को नहीं लिया। उसने कहा ये तो उसके भाई बहन, इसकी माता, ये तो हमारा ही ऐसे ही है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मुझे समझते हो, शरीर से तो कुछ नहीं होगा, समझ आ रही है, वो शरीर से अगर ऐसे होंगे, अगर आपको पता मैं खुदा का दास हूं और जो बोलेंगे वो होगा, और 100% होगा।